हम खुदा के तो कभी कायम न थे, तुम्हें देखा तो खुदा याद आया, तुम्हें देखा तो एहसास हुआ कि खुदा ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही ईश्वर होता होगा, क्योंकि जो ईश्वर की वर्णन उपनिषदों में किया है, वेदों में किया है, जो शास्त्रों में पुराणों में किया, वो अपने आप में अद्वितीय किया है, और वास्तव में तुम अद्वितीय हो, इसलिए अद्वितीय हो कि एक क्षण के लिए तुम्हें देखा और बुरा नहीं पाया, बोलने की बहुत कोशिश की, हर बार सोचा कि इस बार बुरा दूंगा, हर बार सोचा कि इस बार मैं याद नहीं करूंगा, हर बार अपने आप को रोका मगर पांव फिर भी उठे, हर बार अपने हाथ को रोका फिर भी तुम्हारी तस्वीर को अपने सामने रखा, हर बार मैं सोया तो ये सोचा कि आज आंख में सांसू नहीं बहेंगे, और हर रात मैं तकिया बीतता रहा, हर बार तुम्हें और तुम्हारे चित्र को निहारता रहा, हर बार तुम्हारी आंखों से आंखें मिलाता रहा, हर बार अपनी बात कहता रहा तुम सुनते रहे, और एक बार भी तुम्हारे चित्र ने वापस पलट करके जवाब नहीं दिया, इस बात का कोई अफसोस नहीं है, इस बात का कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे चित्र मुझे कब जवाब देगा, मगर इस बात का मुझे फक्र और गर्व है कि मेरे प्रत्येक आंसू की बूंद में तुम्हारा चेहरा झलमलाया रहा, मेरे प्रत्येक आंसू में तुम खड़े रहे, मेरे प्रत्येक आंसू को उठा के देखा तो तुम्हारी तस्वीर दिखाई दी, मेरे पांव उठा तो तुम उठे, मैं बैठा तो तुम बैठे, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरे जीवन का कोई अस्तित्व था भी नहीं, मेरे जीवन का कोई मकसद है ही नहीं, मेरे जीवन का मतलब खुदा को पाना था, और मैंने तुम्हें खुदा देखा और मैंने तुम्हें खुदा अनुभव किया, मैंने एहसास किया कि खुदा तो ऐसा ही होता होगा, और जिनको जिनको विश्वास नहीं है वो करे और खुदाओं की तलाश, मैंने तो इसी शख्स में अपना खुदा देखा है, मैंने एहसास किया कि यही तो खुदा है, जिनको विश्वास नहीं होगा हरिद्वार चला जाए, मथुरा चला जाए, काशी चला जाए, कांची चला जाए, और खुदाओं की तलाश करे, हमें कोई अफसोस नहीं है, हमें कोई गम नहीं है, हमने तो इसी शख्स में एक खुदा देखा है, एहसास किया कि ये खुदा ये है, निश्चित रूप से खुदा है, क्योंकि मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है, मेरे प्यार इस बात की गवाही दे रहा है, मेरे जज्बात इस बात की गवाही दे रहे हैं, और फिर जो मैंने देखा है वो और किसी ने देखा भी तो नहीं, वो कोई देख भी नहीं सकता, जो मेरी आंखों ने समझा है वो केवल मेरी आंखों ने समझा है, जिस तरीके से मैंने तुम्हें अपने आंखों में उतारा है वह अक्ष केवल मेरी आंखें ही उतार सकती हैं, और कोई उस अक्ष को उतार भी नहीं सकती, क्या हुस्न का अफसाना महदूद हो लफ्जों में, मैं लफ्जों में वर्णन कैसे करूं, मैं शब्दों में उस चीज को वर्णन कैसे कर सकता हूं कि मैं तुम्हें क्या देखा और कैसे देखा और कब देखा और किस तरीके से देखा, तुम्हारी किस अदा पर मैं अपने आप में पागल हुआ, ये मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता, शब्द उसके सामने बौने हैं, तुच्छ हैं, क्या हुस्न का अफसाना महदूद हो लफ्जों में, आंखें ही कहें उसको, आंखों ने तो देखा है, आंखों ने देखा है, आंखें कह सकती हैं मगर आंखों के पास जबान नहीं है, और जो जबान कह सकती है उसके पास आंखें नहीं है, अफसोस की बात क्या है, मैंने आंखों ने तुम्हें देखा है, और मैं कहना चाहता हूं कि मेरी आंखें कुछ कहे कि किस तरीके से देखा, क्या देखा, मैं आंखें बेचारी बोल नहीं सकती, उनके पास जबान नहीं है, शब्द नहीं है उसके पास, देखा है और अपने आप में पी के रह गया है, और जबान बेचारी बहुत कुछ कह सकती है मगर जबान ने देखा नहीं, उसके पास आंखें नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता है ही नहीं, सारी जिंदगी जिंदगी में जितने बेमुरबत तुम में है इतनी संसार किसी को हो भी नहीं सकता, तुम पूरी तरह से बेमुरबत हो, मैं पूरी तरह से मोहब्बत में गिफ्ट हूं, मैं अपने आप में उसमें लीन हूं, ओ मस्ते नाजे हुस्न तुझे कुछ खबर भी है, ओ मस्ते नाजे हुस्न तुझे कुछ खबर भी है, तुझ पर निसार होते हैं हम किस किस अदा से, हम किस किस तरीके से हम तुम पर न्योछावर होते हैं, किस किस तरीके से अपने आप को फना करते हैं, किस किस तरीके से अपने आप को लुटा देते हैं, तुम्हें कुछ एहसास है, कुछ ज्ञान है, हम कितना तुम्हें याद करते हैं, कितनी बार आंसू बहाते हैं, कितनी बार उस चित्र को बार बार निहारते हैं, कितनी बार तकिए को भिगोते हैं, कितनी बार रात को नींद उछड़ जाती है, कितनी बार सुबह उठते ही तुम्हारा ख्याल सबसे पहले आता है, कितनी बेचैनी होती है तुमसे मिलने में, तुमसे बात करने में, हर क्षण एक ही रहता है कि उड़ूं और तुम्हें पास चला जाऊं, हर क्षण एक बार एहसास होता है कि तुमसे मिलूं, मगर शायद अब दिल इससे ज्यादा शेयर नहीं कर सकेगा, अब इससे ज्यादा इसमें कोई ताकत नहीं रही है, अब ये एहसास नहीं हो पा रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारी आहट आ रही है, हर क्षण थोड़ी सी आवाज होती है ऐसा लगता है तुम्हारी, हर क्षण थोड़ा दरवाजा खटखटाया और ऐसा लगा कि तुम्हारे कुछ आ चली है आहट उसके इधर आने की, कुछ आहट मिली, कुछ ऐसा लगा कि शायद तुम्हारे कुछ ऐसा समाचार मिला, कुछ ऐसी हवा ने कही, कुछ मेरे दिल ने बेचैनी ने कही, कुछ मेरी तड़फ ने कही, कुछ मेरे आंसुओं ने कहा कि शायद तुम आ रहे हो, कुछ आ चली है आहट उसके इधर आने की,
तुझ पर खुदा की रहमत। आई दिल जरा ठहर, अभी चले मत जाना, अभी धड़कना बंद मत कर देना। तुम पर खुदा मेहरबान हो, मैं तुम पे बहुत बहुत मेहरबान बनूंगी। मैं आशीर्वाद दे रहा कि तुम कुछ समय रुको, शायद वो आ रहा है, शायद वो आएगा, जरूर आएगा और मुझे मिलेगा, और मेरी जिंदगी की जो इच्छाएं हैं, मेरे जीवन की जो भावना है, वो अपने आप में पूर्ण होंगी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर मर भी गया तो जनाजे पे तुम्हें आना ही पड़ेगा, फिर तो तुम्हारी डोरी उठेगी जिधर मेरे जनाजे निकलेगा। मगर इस बात में मुझे फख्र होगा कि तुम्हारी डोली से मेरे जनाजा बहुत शानदार होगा। तुम्हारे जनाजे में तो 4 से 10 लोग होंगे, पर मेरी डोली, तुम्हारी डोली पर तो 4 से लोग होंगे, पर मेरे जनाजे पर तो लाखों लोग होंगे। एहसास करेंगे कि कोई था नीम हकीम पागल जो तुम पर अपने आप को मर मिटाया, जो अपने आप को बर्बाद कर दिया, जिंदगी का आनंद ले लिया। मिटाना अपने आप में आनंद है, जो मिटा ही नहीं सकता वो कुछ पा ही नहीं सकता। पाने के लिए अपने आप को मिटाना जरूरी है, अपने आप को फना कर देना जरूरी है, अपने आप को उस पर न्योछावर कर देना जरूरी है। क्योंकि अब मैंने अपने आप को सीख लिया है समाज के सामने किस प्रकार से मुझे खड़ा होना है, समाज किस प्रकार से जवाब देना है, इस बात का मुझे एहसास हो गया है। अब मैं अपने दर्द को छिपा कर भी मुस्कुरा सकता हूं। कई बिजलियां बेगिरे गिर पड़ी है, 1000 बार तुमने जो बिजलियां गिराई वे बिजलियां मुझ पर गिरी, नहीं आने की बिजली, छटपटाने की बिजली, परेशान करने की बिजली, छटपटाहट वेदना देने की बिजली, कई बार बिजलियां मेरे ऊपर गिरी हैं, कई बिजलियां बेगिरे गिर पड़ी हैं, उन आंखों को अब आ गया मुस्कान। अब इतनी बिजलियां खा करके भी, इतनी तड़फ, इतनी जिद, इतनी बेचैनी खा करके भी मुस्कुराना आ गया है। अब मुस्कुराता हूं अपने आप के दर्द को छुपा करके, अपने आप को छुपा करके, अपने आप को पूर्ण रूप से जज्ब करके। क्योंकि मैंने तो जिंदगी में जहर के अलावा कुछ पिया ही नहीं, जहर पीते रहे मुस्कुराते रहे। तुम्हारी विरह का दर्द, तुम्हारे वियोग का दर्द, हर बार मैंने एहसास किया कि शायद तुम आओगे, हर बार एहसास किया कि शायद कभी न कभी तो मेरी प्यास बुझेगी, मगर कोई अफसोस नहीं है, कोई तड़फ नहीं है। मन में किसी प्रकार की गिलास सिखवा तुम्हारे प्रति है ही नहीं। अपनी जिंदगी को तो एहसास कर लिया कि जिंदगी को अब जहर पीना है, विरह का, तड़प का, बेचैनी का। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। जिंदगी ने हमें आजमाया कि शायद अभी फूटेगा, अभी बिखरेगा, अभी हताश निराश हो जाएगा, अब ये इंतजार करना छोड़ देगा। जिंदगी ने हमें आजमाया और हम भी जिंदगी को आजमाते रहे कि देखा जाएगा। जब एक जिद ठान ली, जिंदगी ने एक निश्चय कर लिया कि मुझे मिलना ही है, तो आज भी मैं उस जिद पर कायम हूं कि मुझे मिलना ही है और मैं जरूर मिलूंगा। बिना मिले तो संभव ही नहीं है, दिल निकलेगा नहीं, प्राण खत्म होंगे नहीं, ये मेरी आंखें बुझ नहीं सकती, मौत मेरे पास आ नहीं सकती। मौत कुछ क्षण रुकेगी, उस क्षण तक रुकेगी जब तक तुम नहीं आ जाओ, क्योंकि मैंने इतना लंबा सफर बेकार नहीं काटा है। इस लंबे सफर पर एक एक घूंट जहर पिया है, एक एक पैर भरा है, समाज का जहर पिया है, परिवार का जहर पिया है, लोगों की बातें सुनी हैं, व्यंग सुने हैं, गालियां सुनी हैं, फटकारें सुनी हैं, अपने आप को जज्ब करने की कोशिश की है, मगर जहर पीता रहा और मैं मुस्कुराता रहा, जहर पीता रहा और मैं तुम्हें याद करता रहा, उस जहर से अपनी जिंदगी को संवारता रहा और तुम्हारी मूर्त गढ़ता रहा, तुम्हें याद करता रहा। मगर मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मैं तुमसे पूछता हूं कि ये पूरी अंधेरी रात में, इस विरह की रात में, इस बेचैनी की रात में, इस तड़प की रात में, इस तुम्हारे नहीं आने की रात में, अंधेरी रात में कभी मेरे सुबह होगा भी कि नहीं होगा, कभी सूर्य मेरी जिंदगी में उगेगा भी नहीं उगेगा, कभी तुम आओगे भी नहीं आओगे, कभी रोशनी बिखरेगी भी नहीं बिखरेगी, इतना तो कम से कम एक बार बता दो तो मैं उस इंतजार में ही इस जिंदगी को काट दूंगा। पूछ कर अपनी निगाहों से तुम बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में कहीं सुबह है कि नहीं, और यदि है तो फिर मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई गम नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारे शान के काबिल में नहीं हूं, यह बात तो निश्चित रूप से है कि तुम बहुत शानदार हो और मैं बहुत खादिम छोटा सा हूं, मगर हूं जरूर, मिटा नहीं हूं, समाप्त नहीं हुआ,
आपके चाहने वालों में ही अदना खादिम है, आपकी शान के बराबर न सही है तो सही। और जिस दिन आप आए, मेरी आंख केवल आपके दीदार को तरस रही है, लबो रुसार को तरसती है, जिस्म के प्यार को तरसती है। आप दिल के करीब हैं लेकिन आंख दीदार को तरसती है। आप दिल के करीब हैं इस बात को मैं एहसास करता हूं, मगर अब मैं क्या करूं। मैं तो आपको देखना चाहता हूं, आपका दीदार चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में प्यास बुझा सकूं, क्योंकि बिना प्यू के तो प्यास बुझेगी नहीं, और जब तक प्यास बुझेगी नहीं तब तक मेरी जिंदगी समाप्त होगी नहीं। और जिस दिन तुम मिल जाओगे उस दिन मेरे जीवन को तृप्ति मिल जाएगी, उस दिन जीवन को पूर्णता मिल जाएगी, उस दिन मेरी साधना संपन्न हो जाएगी, उस दिन मैं सिद्ध बन सकूंगा, उस दिन प्रभु से एकाकार हो सकूंगा। और ऐसा हो मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायण नारायण गुरुदेव।